तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 441 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था हमारे लिनफेंग यहाँ पे वो चीज़ ले लेता है और कहता है शुक्रिया शिनर, आपने यहाँ पे मेरे को ये टेक्निक दी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, आपका इसको देने के लिए शुक्रिया। फेंग बोलते हैं कि नहीं, इसमें कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें तो दे नहीं थी क्योंकि तुम यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे हासिल तुमने फर्स्ट रैंक को हासिल किया है, तुम यहाँ पे इस नई कॉम्पिटिशन के फर्स्ट रैंक पे आए हो, तो तुम्हें एक और हेवनली मार्शल आर्ट टेक्निक देना चाहता हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्राइज देना चाहता हूँ, और अगर तुम यहाँ पे हमारे पैलेस को ज्वाइन कर दो तुम्हें और भी ज़्यादा प्राइजेस मिलेंगे, तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा कीमती चीज़ें भी मिलेगी अगर तुम यहाँ पे हमारे पैलेस को ज्वाइन करते हो। तो यहाँ पे लिनफेंग और लिनफेंग के दोस्त होते हैं, तो यहाँ पे वो सबसे कहते हैं कि तुम सभी यहाँ पे 5-6 लोग हो, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम लोग अगर हमारे पैलेस को ज्वाइन करते हो, अगर तुम 5 लोग हमारे पैलेस को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा तुम्हारा शुक्रिया होगा और हमारा जो पैलेस होगा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, तुम 5 लोगों के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी हैं अगर तुम यहाँ पे हमारे पैलेस को ज्वाइन करते हो। तो हो सकता है जब तुम लॉन्गशे एम्पायर वापस जाओ तो तुम वहाँ के पिलर बन जाओ, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन बन जाओ अगर तुम वापस लॉन्गशे एम्पायर बन जाते हो, तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा अगर तुम हमारे पैलेस को भी ज्वाइन करते हो। तो जबकि यहाँ पे जुनमोजी कह रहा होता है कि प्लीज़ आप यहाँ पे ऐसा मत कीजिए, आपका शुक्रिया, आपकी काइंडनेस का शुक्रिया, पर मैं जो अपनी मार्शल आर्ट्स है उसी को मतलब आगे कंटिन्यू करूँगा, मेरे को और कोई मार्शल आर्ट्स की ज़रूरत नहीं। टैंग यू और किंग मिंग जिंग भी यही कहती हैं कि उनको यहाँ पे किसी और मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उनके पास जो ऑलरेडी है वो उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो नो थैंक्स करते हुए उनका मजा कर देते हैं, मतलब वो मना कर देते हैं। कि यन फियांग भी हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं भी अपनी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे को भी माफ कर देना, और आपकी काइंडनेस का बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। फिर वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि पैलेस मास्टर अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया तो हम लीव चाहते हैं अपनी, क्योंकि पैलेस मास्टर जो होते हैं वो सभी को बाहर की तरफ ले आते हैं और वहाँ पे वो कह रहे होते हैं सभी लोगों से कि देखो तुम्हें यहाँ पे अब सीक्रेट राम में जाना है और सीक्रेट राम में जाने के लिए मैं तुम्हारी यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ क्योंकि वो तुम्हारा रिवॉर्ड है, तो तुम्हारे रिवॉर्ड तो मिलने वाले हैं। तो चलो तुम लोगों को यहाँ पे ये मिलता है, मतलब वो लिनफेंग को दे रहे होते हैं, स्पेशली लिनफेंग से कह रहे होते हैं कि देखो ये जो मैंने तुम्हें दिया है इसके ऊपर पूरा मैप बना हुआ है उस एरिना का, और मैंने इसके ऊपर मार्क भी किया हुआ है जहाँ पे वो सीक्रेट राम है, तुम्हें सीक्रेट राम के अंदर जाना है और वहाँ से जो भी तुम्हें मिलता है अच्छा खासा वो तुम्हें ले लेना है, और साथ ही तुम्हें 1 मंथ के होने के बाद यहाँ पे तुम्हें वापस आना है, यानी कि लिनफेंग को यहाँ पे टाइमिंग मिली है कि उसे 1 मंथ में वापस आना है इसी जगह पे। तो लिनफेंग कहता है आपका शुक्रिया सीनियर, और वो कहते हैं चलो ठीक है अपना ख्याल रखना तुम सभी यंग जीनियसेस, वो ऐसे करके बाय करते हैं और फिर दिखाते हैं सभी लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं, और जो हमारे सीनियर बीमिंग रहते हैं उनके बगल में वहाँ पे वो खड़े होते हैं, यानी कि हमारे ज़ू वुचैंग। यार ये मुझे पावरफुल लगे, मैंने शायद पिछले एपिसोड में कहा था कि मेरे को ज़ू वुचैंग पे थोड़ा सा शक है, वो शक अब हट चुका है क्योंकि ज़ू वुचैंग यहाँ पे मतलब बीमिंग के सामने है। ज़ू वुचैंग जो होते हैं वो बुरे नहीं है, मतलब वो हमारे बीमिंग के साथ ही हैं, ज़ू वुचैंग भी अच्छा, तो ज़ू वुचैंग यहाँ पे उनके बगल में ही खड़े होते हैं जबकि यहाँ पे सीनियर कहते हैं कि चलो हम भी चलते हैं, जबकि ज़ू वुचैंग जो होते हैं वो सीनियर से कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे उस लड़के के आगे प्रोग्रेस होने का इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं वो फ्यूचर में कितना आगे तक जाएगा। वो बच्चा लिनफेंग वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें हैं और सीक्रेट टेक्निक्स हैं जिसने अभी तक मतलब हमसे हाइड करके रखी हुई है, मैं तो उसको गुड लक कहना चाहूँगा। फिर लिनफेंग को गुड लक भी कह देते हैं। उस लड़की का नाम शायद से किंग चैन रहता है, हमें कन्फर्म तो नहीं है पर शायद से किंग चैन ही रहता है। तो वो लड़की जो होती है किंग चैन वो कहती है कि लिनफेंग तुम बस मेरे को याद रखना, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे को आगे जाके याद रखना, जबकि लिनफेंग कह रहा होता है सीनियर ज़ू वुचैंग और साथ ही किंग चैन में तुम दोनों को यहाँ पे याद रखो, मैं कभी नहीं भूलने वाला, तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। ऐसे करके वहाँ के बाकी के लोग जो होते हैं वो चले जाते हैं एरिना की तरफ जहाँ पे उनका शायद सीक्रेट राम है, वो बहुत तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं उसी एरिना की तरफ जहाँ पे इनका स्नोई कॉम्पिटिशन चल रहा था। लिनफेंग वहाँ पे जाते हुए जुनमोजी से बात कर रहा होता है, कहता है कि यहाँ पे हमें सीक्रेट राम में जाने का शायद से मौका मिलने वाला है, पता नहीं कि सीक्रेट राम में लिनफेंग इन सबको लेके जा पाएगा या नहीं, या फिर लिनफेंग अकेले जाने वाला है, पर लिनफेंग यही कह रहा होता है, कहता है कि चलो अब यहाँ पे मजा आने वाला है, लगता है हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जबकि जुनमोजी भी कह रहा होता है कि हाँ ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट की बात है, बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर हम सीक्रेट राम में जाते हैं, तो चलो एक साथ इकट्ठे चलते हैं, ऐसे करके वो कुछ कहता है। यहाँ पे जुनमोजी बोलता है कि लिनफेंग वैसे मेरे को पता है कि तुम ज़ूयू हो, मतलब कंट्री से हो, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पहले से ही पता थी कि मैंने तुम्हारे बारे में किसी को बात करते हुए सुन लिया था जो आपस में तुम्हारी बातें कर रहे थे, और वो मेरे फादर ही थे। और यहाँ पे जो लिनफेंग होते हैं मतलब जो हमारा जुनमोजी होता है वो बोलता है कि असल में उसने जितनी भी लिनफेंग के बारे में बात सुनी है वो फादर से सुनी अपने। तो लिनफेंग को फिर उसके फादर की याद आती है और वो पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर लौट गए, जबकि वो कहता है कि हाँ वो बहुत पहले लौट गए थे जब स्नोई कॉम्पिटिशन का अंत हुआ था। तो लिनफेंग ये सब बातों को छोड़ो, हमें यहाँ पे जल्दी से प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए, और वो कहता है कि चलो प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, वहाँ पे ऑडियंस हमारा वेट करी हुई है। लिनफेंग कहता है चलो ठीक है चलो जल्दी चलते हैं, और इसके साथ वो तो अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, दिखाते वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, जबकि देखने वाले दर्शक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं जरा देखो वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जितने भी यहाँ पे गए थे टॉप की जीनियसेस वो वापस आ रहे हैं, वहाँ पे देखो जुनमोजी भी
उनके साथ है। जॉन मोसी यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने साबित कर दिया कि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जॉन मोसी ने तो खासकर, क्योंकि जॉन मोसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि यहाँ पे बाकी के दर्शक बात कर रहे होते हैं कि ये यहाँ पे लॉर्ड बीमिंग या पैलेस मास्टर बीमिंग के यहाँ पे गए थे, पता नहीं इनको वहां से क्या प्राप्त हुआ है, पर जो भी हो ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं, अब लगता है कि इनको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा, जो इनको यहाँ पे रिवॉर्ड दिया होगा बीमिंग ने। जबकि यहाँ पे एक बंदा जो होता है वो हमारे जॉन मोसी के पास आते हुए कह रहा होता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ, मैं एक जस्ट मैसेंजर हूँ, जितने भी चीजें वगैरह है, जितने भी मतलब एनिमल्स वगैरह है, जो मतलब उड़ने वाले एनिमल्स होते हैं, मतलब सॉरी मॉन्स्टर होते हैं, बीस्ट टाइप जो भी आप कह लो, वो यहाँ पे रेडी कर दिए होते हैं हमारे जॉन मोसी के लिए, जिससे वो उड़ते हुए वापस लॉन्गशे एम्पायर की तरफ निकल जाए, क्योंकि उसे लॉन्गशे एम्पायर वापस बुलाया होता है। तो इस वजह से वो बंदा यहाँ पे आया होता है मैसेज लेके जॉन मोसी के लिए, और कहता है कि आपकी सवारी रेडी है, तो मतलब यंग मास्टर की आप आना चाहोगे। जॉन मोसी भी कह देता है कि चलो ठीक है, चलो चलते हैं एक साथ इकट्ठे। जबकि दिखाते हैं किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, और कोई किसी के पीछे पड़ा होता है और कह रहा होता है कि ये कमीने कहाँ जा रहा है तू, तू यहाँ से मेरे हाथों से बचकर बिल्कुल नहीं भाग सकता। यहाँ पे सेंस कर लेता है कि वो आखिर होता है कौन, और वो कहता है कि वो आ रहा है फाइनली। जबकि एक बंदे को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब सा होता है, गुंडे टाइप का लग रहा होता है, और वो चिल्लाते हुए हंसते हुए कह रहा होता है कि तू तो आज गया, तू यहाँ पे वाला मेरे से इतना दूर क्यों गया, आज तो मैं तेरे को मार मार के तेरे को बहुत ज्यादा सजा देने वाला हूँ। बस एक पालतू जानवर है क्यान की कहीं के, और अगर आप लोग भूल गए होंगे तो लिनफेंग का एक पेट था जिसका नाम क्यान की था, जो कि एक बीस्ट था, जो कि बहुत ज्यादा एशियंट बीस्ट था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो लिनफेंग का होता है। और लिनफेंग का जो बीस्ट था उसको यहाँ पे शायद से वो ले गया था, वो बीस्टिमिंग सेट का एक बंदा है, पता नहीं यंग मास्टर है जो भी है, यहाँ पता नहीं कौन क्यान की के पीछे पड़ा होता है और क्यान को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लिनफेंग भी जो होता है क्यान की को बचाने के लिए आई तरफ गुजर जाता है, क्यान की को दिखाता है जो कि उस बंदे से बच के भाग रहा होता है। देखने वाले दर्शक क्यान की को देखते हैं और कहते हैं ओ भाई जरा देखो, तो वहाँ पे वो ही फ्रोशियस बीस्ट है जिसके बारे में हम कहानी में सुनते आए हैं, वो फ्रोशियस बीस्ट जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा एशियन टाइम से था, मतलब एशियन टाइम से बहुत ज्यादा पहले से था, भले इस जैसा मॉन्स्टर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे अपेयर कैसे हुआ। जबकि लिनफेंग जो होता है वो अपने पेट क्यान की के जो होता है ऊपर की तरफ आ जाता है, क्यान की भी इसको देख के मुस्कुरा देता है, मतलब लिनफेंग को देख के, क्योंकि लिनफेंग उसका रियल ओनर है। जबकि लिनफेंग उस बंदे से कहता है कि क्या हुआ वाला, तुम मेरे पेट के पीछे क्यों पड़े हो, और वैसे ये क्यान की मेरा है, क्या तुम इस क्यान की को मेरे से यहाँ पे छीना चाहते हो, कितने समझदार हो। जबकि उस बंदे की तो चड्डी फट जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसका काम होता है क्यान की को वापस पकड़ के लाना, क्योंकि क्यान की यहाँ से भाग गया था, तो उस बंदे का काम था उसे पकड़ के लाना सेक्टर में वापस। यहाँ पे उस बंदे की चड्डी फट जाती है जब उसे पता चलता है कि जो उसमें कॉम्पिटिशन का टॉप फर्स्ट रैंक का जो बंदा लिनफेंग है उसका ये पैट है क्यान की। तो बंदा बहुत ज्यादा सोचने लगता है और कहता है ये क्या, ये बीस तो यहाँ पे लिनफेंग है, मेरे को तो पता ही नहीं था, अगर पता होता तो मैं यहाँ पे तो कब का निकल जाता। लिनफेंग की स्ट्रेंथ तो हमने देख ही ली है, मैंने भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखा था, उसमें लिनफेंग ने तो यहाँ पे डुआन वुडाओ और कैंग टियान ब्लड एम्परर इन दोनों तक को हरा दिया है, तो मैं इनके सामने क्या चीज, लिनफेंग तो एक ही उंगली के साथ मेरे को मार डालेगा। तो लिनफेंग की सवारी है, मेरे को यहाँ से भगना होगा, इससे पहले कि लिनफेंग कोई गलत कदम उठा तो मेरे को मार डाले। मतलब लिनफेंग यहाँ पे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे ऐसे शांत क्यों, तो यहाँ पे क्यान की को लेने आ रहे थे और उसे पीछे की तरफ पकड़ रहे थे, तो क्या हुआ अब क्या नहीं पकड़ रहे। तो उस बंदे की चड्डी फट जाती है और वो बोल रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, तुमको कोई गलत फहमी हुई है ब्रदर, मेरे को बस माफ कर देना, मैंने तो इसको कुछ और ही समझ लिया था, इस वजह से मैं इसके पीछे पड़ा था, ये ठीक है तुम्हारा है जाने दो, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लिनफेंग यहाँ पीछे तरफ मुड़ता है और कहता है जाओया हानमैन पोजन चलो यहाँ से चलते हैं, यहीं पे खत्म कर दिया। Goodbye. Bye.